स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल अलग तरीका से हम सॉल्व करते हैं। और एक और बात कहना चाहेंगे, अगर आपको डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन आपके मुट्ठी में हो जाए, तो आपको सर्च करना है डिफरेंशिएशन बाई आरके सिंह यूट्यूब पर जाकर, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो मिलेगा। और एक बार देख लेंगे ना आप, तो बता रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा डिफरेंशिएशन में कभी भी, है ना। आइए यहाँ देखा जाए कि वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। इसमें क्या करना है, हमको निकालना है dy by dx, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, ये निकालना है आपको। देखिए लाजवाब बात क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई है, ये दिया हुआ है। अब एक बात लिखते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी क्या हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। चलिए क्या हुआ देखिए, इसीलिए यहाँ देखिए दो बाहर हुआ कॉन्स्टेंट है तो dx बटा dx लिख देंगे, प्लस तीन बाहर करेंगे dy बाई dx लिख देंगे, इज इक्वल टू d साइन y है। तो नीचे क्या होगा देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि d साइन y बाई dx, यहाँ d साइन x बाई dx रहता है तो क्या होता है cos x होता है। तो ये फार्मूला कब बना है, ये फार्मूला बना है जब साइन का आगे वाला चीज नीचे रहेगा तब फार्मूला बनेगा। साइन का आगे वाला चीज नीचे रहेगा तब फार्मूला क्या होगा, बनेगा, नहीं तो फार्मूला नहीं बनेगा। तो साइन यहाँ पे क्या होगा, d के साथ क्या लिखे, x लिखे या y लिखे, y लिखे क्योंकि आगे क्या है y है, तो y लिखेंगे dy, उसके बाद dy वाई बाई डी एक्स। चलिए अब क्या होने वाला है, यहाँ देखिए दो गुने एक प्लस तीन 3dy by dx है ना, इज इक्वल टू साइन का कितना होगा, cos होगा, cos y है ना, इंटू dy by dx ये रहेगा। अब देखिए करते क्या, यहीं तो सीखने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर dy by dx है, यहाँ पर dy by dx है, dy by dx वाले टर्म को एक जगह कर लेंगे हम लोग, राइट। चलिए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दो रहेगा अपने जगह पे और cos y dy by dx अपने जगह पे रहेगा, ये क्या है प्लस में है तो आके इधर हो जाएगा माइनस 3dy by dx, ये हो गया क्लियर। अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे दो बराबर dy by dx कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा cos y माइनस 3 बचेगा। अब देखिए अब लिखेंगे dy by dx क्या होगा, देखिए तो दो यहां पे है, दो पर हो जाएगा बटा इतना के नीचे हो जाएगा cos y माइनस 3, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, जो गुना में है आके भाग हो गया दो के नीचे। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म होगा। अच्छा लगा है ना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैलकुलस का पूरा कॉन्सेप्ट चाहते हैं आप बढ़िया से, तो आप सब लोग क्या कीजिए, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, कैलकुलस का कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही लाजवाब कोर्स है, समझ रहे ना। उसके बाद कहना चाहेंगे आपको कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए ना आपको, सर्च कीजिएगा 5.3 बाई आर के सिंह, तभी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू आप सबका।